जैसा हो तेरा हूँ। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, तन भी तेरो, मन भी तेरो, तन भी तेरो, मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, समर्पण सीखना हो तो छोटे बच्चों से सीखो, ना आज की चिंता ना कल की फिक्र, जानते हो क्यों? बच्चा समर्पित है अपने माँ को, अपने पिता को और अपने परिजनों को। समर्पण means I am yours. समर्पण means to devote whole bodily, whole mindly to someone. समर्पण dedication, devotion and pure love. If we really want to learn समर्पण, learn it from a newborn baby. They have no tension of future, no regrets of past. Why so? Only because they have surrendered themselves to their parents. They have devoted themselves to their parents. They love their parents without expectation of any return. That's why I said learn samarpan from a baby. When a father throws his child up, child laugh instead of fearing and crying, this is called samarpan. समर्पण यानी सब कुछ अर्पण कर देना, सब कुछ यानी सब कुछ, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने दुख, अपनी चिंता, अपनी निराशा, सब कुछ। जैसे अर्जुन के लिए कर्ण ने कहा, केशव पर चिंता डाल, अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। सत्र सन 2022-2023 का संत श्री आशाराम जी गुरुकुल का यह वार्षिकोत्सव समर्पित है समर्पण को, परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू को। यस तथागत, दिस एनुअल फंक्शन ऑफ संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इज डेडिकेटेड टू द थीम समर्पण। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रिस्पेक्टेड गेस्ट फॉर लैंप लाइटनिंग। पुण्यो गंध पृथ्वी व्याम च तेजस्यास्मि विभावसो, जीवनं सर्ववेदेषु शब्दं के पौरुषं ऋषु। पृथ्वी में पवित्र गंध में और अग्नि में तेज में तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति में और तपस्वियों में तपस्या में, अग्नि में जो तेज रूप से विराजमान है, आइए उन परमेश्वर का आवाहन करें दीप प्रज्वलन के द्वारा। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। And now it's time to welcome the inaugurator and the dignity of this annual function. So today the guest of honor is Mr. Rajesh Mehra, the chairman of MPPSC, Madhya Pradesh Public Service Commission. I want to request to Mr. Mohan Ludhiani, our chairman, to welcome our honorable guest with a bouquet of flower. Samarpan means dedication. Dedication means unconditional love, unconditional surrender. Samarpan is the extreme of love. So, on the occasion of this annual function with the pious theme Samarpan, let's absorb all our hearts, minds and soul in the ocean of true love with the almighty Ma Saraswati, the goddess of knowledge, intelligence,
म्यूजिक, आर्ट्स एंड लर्निंग्स। मेरी माँ शारदे तू स्वर को सजाने आजा, मेरी माँ शारदे तू स्वर को सजाने आजा, आज की रात माँ वीणा बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा बजाने आजा। लेट्स स्टार्ट दिस फंक्शन विद डिवोशन एंड समर्पण टू गॉडेस माँ सरस्वती। जीवन का संगीत तुम्हें
सरस्वती माता की सुरों एवं उत्साह से वंदना की प्रस्तुति करने के लिए जोरदार तालियां। संत न होते इस दुनिया में जल मरता संसार। संतों की महिमा में भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत पधारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान श्री राम जी भी शबरी जी को नवदा भक्ति के उपदेश में कहते हैं, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ऐसे संतों में शिरोमणि संत हैं हमारे प्यारे संत श्री आशाराम जी बापू, उनके प्रति हम बच्चों के क्या भाव है आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हरिओम, मेरा नाम हर्षित ईशरानी है। हम सभी विद्यार्थी कक्षा तीसरी के छात्र है। आज हम सभी विद्यार्थी बापूजी के कुछ देवी सेवा कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने करोड़ों लोगों के जीवन में जगाया संयम और सदाचार। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने सुखी स्वस्थ सम्मानित जीवन का राजमार्ग बताया। हरिओम। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने किया नारी सशक्ति व महिला जागृति का शंखनाद। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने हमें सिखाई जीवन जीने की कला। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी भारतीय सनातन संस्कृति के सच्चे प्रहरी। हरिओम। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने आयुर्वेद व योग को प्रोत्साहन दिया। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति का महत्व बताकर पुनः गुरुकुलों की शुरुआत की। हरिओम। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने किया युवाओं में देशभक्ति, नैतिकता, संयम व आध्यात्मिकता का विकास। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने शिकागो में श्री स्वामी विवेकानंद जी के 100 साल बाद विश्व हिंदू धर्म के संसद में भारत का परचम लहराया। हरिओम। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास का प्रदर्शन किया। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने दिखाई सच्चे प्रेम की राह। हरिओम। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने शास्त्रों का ज्ञान सरल ढंग से जनमानस तक पहुंचाया। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने मुश्किल हालातों में संतों का साथ दिया। हरिओम। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण पर रोक लगाकर लाखों करोड़ों हिंदुओं की घर वापसी कराई। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने किया गौशालों द्वारा गोवंश का रक्षण व संवर्धन। हरिओम। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने हम सभी समस्त मानव को सत्संगों द्वारा किया हमारा सर्वांगीण विकास। हमें चाहिए बापूजी, क्योंकि बापूजी ने समाज, देश, संस्कृति व मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हरिओम। ऐसा कलयुग आया, अब तो
scientific researches reveal that there are four chemicals responsible for feeling of happiness. They are dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin. There are many ways to hack them, and one of these ways is spending time with kids. And now it's time to raise our oxytocin level. Please applause for our pre-primary kids coming up with a beautiful dance, A for Apple and B for Baby. Yeah.
Wow, wow, what a performance it was. How amazing can these kids even be? Like, they made ABC song so amazing. Please give them a big hand of applause. आप जानते हैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर का एकमात्र ऐसा सीबीएसई विद्यालय है जहां श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई जाती है। गुरुकुल के नन्हे मन्ने विद्यार्थी जब गीता का धारा प्रवाही पाठ करते हैं तब ऐसा लगता है मानो पूज्य बापू जी का विश्व गुरु भारत का सपना साकार हो रहा हो। अब आपके सामने आ रहे हैं कक्षा पहली और दूसरी के नौनिहाल।
ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, श्री कृष्ण अर्जुन चौहान दे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोध्याय श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु। कितना अच्छा लगता है यह देखकर जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे द्वारा बुलाई जा रही संस्कृति को सीख रहे हैं एवं इतनी अद्भुत प्रस्तुति दे रहे हैं। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, सब दुखों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। अब समय है पेट पकड़ के हंसने का, क्योंकि मंच पर आ रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार नमूने आपको हंसाने गुदगुदाने। अब आप अपनी हंसी रोक के तो दिखाइए, चैलेंज है मेरा। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का सम्मान नहीं, उसका जीवन ऐसा है जैसे बिना मांझे की नाव। बीबीसी न्यूज के अनुसार हर माह 6,000 लड़के लड़कियां घर से भागकर मुंबई आते हैं। इनमें से कई सड़कों पर जीते हैं, कई गलत धंधे में जुड़ जाते हैं और कई नशे में गुम हो जाते हैं। आइए देखते हैं अलग अलग प्रांतों से आए हुए चार लड़कों की कहानी जो आपको खूब हंसाएगी। क्या यार, इतने दिन हो गए घर से आए हुए लेकिन अभी तक चांस नहीं मिला। हाँ यार, अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। मकान मालिक भी पैसे मांग रहा था। हाँ यार, पता नहीं कब घर से बाहर कर दे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अरे देखो देखो, न्यूज़पेपर आ गया। जा जा उठा के ला। अरे ऑडिशन का एडवर्टाइजमेंट आया है। कहाँ और कब? पाउडर गली गांधीनगर गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई। सर सर, यहाँ ऑडिशन चल रहा है क्या? हाँ आइए, वहाँ बैठिए, अंदर आइए, डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। आइए आइए, पहले कहीं काम किया है क्या? नहीं नहीं, पहले नहीं किया, चांस ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये स्क्रिप्ट पढ़िए और डायलॉग्स बोलिए। और कहानी ऐसी है कि एक पिता है, उसके दो बेटे हैं। छोटा बेटा बीमार पड़ता है, बड़ा बेटा पिता को बताता है। पिता डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर चेकअप करके बोलता है, अरे ये तो मर गया। समझ में आया क्या? जी जी, जी सर, समझ गए समझ गए समझ गए। बाबू जी देखो टिकलू को क्या हो गया। जा बेटा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब ये देखो टिकलू को क्या हो गया। अरे ये तो मर गया। अरे हट, ये क्या कर रहे हो? कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, कुछ हंसी खुशी। जी 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 सर, हम समझ गए। बाबूजी टिकलू को क्या हो गया? बाबूजी जा बेटा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब चलो देखो टिकलू को क्या हो गया। ये तो मर गया। अरे यार क्या कर रहे हो, इतना थोड़ी हंसना है,
थोड़ा दुखी हो। जी 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 सर 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 समझ गए सर हम समझ गए सर। बाबूजी ये देखो टिकलू को क्या हो गया। जा बेटा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब चलो देखो टिकलू को क्या हो गया। ये तो मर गया। अरे यार इतना दुखी नहीं होना है, थोड़ा एक्सप्रेशन लाओ, थोड़ा गुस्सा। जी सर हम समझ गए समझ गए सर समझ गए सर। बाबूजी ये देखिए टिकलू को क्या हो गया। बाबूजी जा जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, ये देखिए टिकलू को क्या हो गया। डॉक्टर साहब अरे ये तो मर गया। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते। जी 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 सर 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 समझ गए सर समझ गए सर। बाबूजी ये देखिए टिकलू को क्या हो गया। बाबूजी जा बेटा जा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, देखिए टिकलू को क्या हो गया। अरे ये तो मर गया। अरे यार ये लोग पागल कर देंगे मुझे, इतना धीरे नहीं बोलना है, थोड़ा तेज बोलो। जी सर हम समझ गए सर समझ गए सर। बाबूजी देखिए टिकलू को क्या हो गया। बाबूजी जा बेटा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब ये देखिए टिकलू को क्या हो गया। डॉक्टर साहब अरे ये तो मर गया। अरे यार किसका मुंह देखकर उठाऊं मैं आज, इतना तेज मत बोलो, थोड़ा स्लो थोड़ा जी, स्लो। जी सर जी सर समझ गए सर समझ गए सर। बाबूजी देखिए टिकलू को क्या हो गया। जा बेटा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब चलिए टिकलू को क्या हो गया। अरे ये तो मर गया। अरे इतना स्लो नहीं यार, थोड़ा तो स्पीड रखो। जी सर हम समझ गए सर समझ गए सर समझ गए। बाबूजी देखिए टिकलू को क्या हो गया। बाबूजी जा बेटा जा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब चलिए देखिए टिकलू को क्या हो गया। डॉक्टर साहब अरे ये तो मर गया। अरे यार कभी फिल्में नहीं देखी क्या, गाना बजाना नहीं देखा। समझ गए सर। बाबूजी देखो जरा टिकलू को क्या हो गया। जा बेटा जल्दी से जा डॉक्टर बुला करके ला। डॉक्टर साहब देखो जरा मेरे टिकलू को क्या हो गया। अरे ये तो मर ही गया, ये तो मर ही गया। हे भगवान। अरे डायरेक्टर साहब आपको क्या हो गया। अरे ये तो मर ही गया, ये तो मर ही गया। नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसके लिए मैं रुआवजा बटवाऊंगा। नेताजी रुआवजा नहीं मुआवजा। हाँ जो भी बटवाऊंगा, मैं आपके बीच हर समस्या का हल लेकर आया हूं। मालिक पहले वो जो बैल की गर्दन में हल फंसा है वो निकाल दो, समस्या का हल बाद में निकाल लेना। हल बैल की गर्दन में क्या कर रहा है। मालिक बैल ही तो हल चलाता है। हल बैल चलाता है, फिर किसान क्या करता है। मालिक किसान फसल उगाता है। अच्छा किसान फसल उगाता है, तो बहनें और भाइयों सुनो, अगर अगले साल हमारी सरकार आती है तो किसी भी किसान को फसल उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मालिक किसान फसल नहीं उगाएगा तो खाएगा क्या। खाना क्यों, किसान खाना नहीं खाते क्या। खाते हैं मालिक, किसान पहले फसल उगाता है फिर खाता है। पहले उगाता है फिर खाता है, तुम क्या उगाते हो। कपास। वेरी गुड, मतलब किसान कपास खाता है। अरे मालिक कपास का कुर्ता बनता है। मतलब तुम कुर्ता उगाते हो। मालिक हम किसान है, हम ही फसल उगाते हैं, हम ही कुर्ता भी उगाते हैं अपनी जमीन पर। तुम्हारे पास कितनी जमीन है। टुकड़ा टुकड़ा करके कई सारी है मालिक। टुकड़े हैं, एक टुकड़ा कितना होता है। एक दूर कितना होता है। आपके बाथरूम जितना। ओ जितने में हम जाते हैं उतने तुम उगाते हो, क्यों तुम जाते नहीं क्या। जाते हैं मालिक, सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं, कभी कभी तो आते जाते रहते हैं। मालिक आप जमीन से जुड़ा कौनाबाद जानते हैं। जानते हैं ना,
हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जमीन से जुड़े हुए हैं। मालिक, उसे जमीन से जुड़ना नहीं, मट्टी पलीन होना कहते हैं। मालिक, हम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? आप। अरे आप नहीं, आप हमारी समस्या है। आप हमारे गले की हड्डी बन गई हैं। और क्या है आपके पास? बैल है मालिक। बैल है? बैल कितना दूध देता है? अरे मालिक, बैल दूध नहीं देता। अरे तो फिर बैल क्या करता है? मालिक, बैल हल चलाता है। अरे बैल हल चलाता है, फिर किसान क्या करता है? किसान आत्महत्या करता है मालिक। आप कहो तो कर लेंगे। थैंक यू। समर्पण मींस डेडिकेशन, डिवोशन, लव विदाउट कंडीशन। समर्पण इज द की टू रियल हैप्पीनेस। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यावयोक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। देर आर दोज हु आर ऑलवेज थिंक ऑफ मी, always love me, whose mind are observed in me. I take care of everything in their lives. I personally carry all their burdens. जो हर पल मेरे बारे में ही सोचते हैं, जो मुझे ही प्यार करते हैं, जिनका मन मुझ में ही लगा रहता है, मैं स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। आइए इसी भाव से भगवान श्री गणेश की वंदना से करें समर्पण। Thank you.
पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। एवं उत्साह से मरी श्री गणेश वंदना की प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। सर हमने एबीसीडी याद कर लिए हैं। अच्छा तो सुनाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए बुड़बक ऐसा नहीं एफ वाला एप्पल ऐसे सुनाओ। सर ऐसे तो नहीं होता। मार खाने नहीं सर सुनाते ना सुनाते आता है आता है आता है आता है। ए फॉर एप्पल बी फॉर बोर्ड का एप्पल सी फॉर छोट का एप्पल डी फॉर दस्तर वाला एप्पल ई फॉर एक और एप्पल एफ फॉर फोकट का एप्पल जी फॉर गोल एप्पल एच फॉर हमारा एप्पल आई फॉर इतना एप्पल जे फॉर जा नहीं खाएंगे एप्पल के फॉर कैसे नहीं खाएंगे एप्पल एल फॉर लेना पड़ेगा एप्पल एम फॉर मेरा एप्पल एन फॉर नहीं खाएंगे एप्पल ओ फॉर ओह तो आप नहीं खाएंगे एप्पल पी फॉर पका हुआ एप्पल क्यू फॉर क्यों नहीं खाएंगे एप्पल आर फॉर रोज एप्पल खाओगे ना तो एस फॉर सेहतमंद रहोगे टी फॉर तुम एप्पल नहीं खाओगे ना तो बाद में नहीं मिलेगा एप्पल यू फॉर उधर काहे देख रहे एप्पल वी फॉर वेरी वेरी टेस्टी एप्पल डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू बेटा आप तो एप्पल खा रहे हो एक्स फॉर एक्समस के दिन ही मिलेगा एप्पल वाई फॉर यहाँ काहे देख रहे एप्पल जेड फॉर जरा एक किलो एप्पल देना तो क्यों सर अब जाए थैंक यू। Thank you.